अमिता स्टेनो में ये जो डिक्टेशन है 100 वर्ड पर मिनट का हिंदी डिक्टेशन है, उम्मीद करती हूँ आपको काफी पसंद आएंगे। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, नीचे में बेल आइकन दिए होंगे उसे दबा लेंगे ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ। चलिए शुरू करती हूँ। शुरू करने से पहले मैं 3 तक काउंट करूंगी। 1 2 3 स्टार्ट। मैडम, यह बड़ी अजीब बात है कि समाज के जिस वर्ग ने इस पूरे समाज की अधिक सेवा की हो, वह उन्हीं लोगों द्वारा सर्वाधिक प्रताड़ित और शोषित दलितों ने न्याय, अभाव और जान के खिलाफ संघर्ष किया, उससे मुक्ति पाने का प्रयास किया, तब तब उनको दिक्कत हुई, जिनके निजी स्वार्थ पर चोट पहुंचती थी या जो सदियों से आत्मसम्मान के लिए आगे कदम बढ़ाने की कोशिश की, उनको अपमानित होना पड़ा, प्रताड़ित होना पड़ा। अतीत में जो भी घटनाएं घटी है वे सब निंदनीय हैं। उसका सहारा लेना लेकर जो कुम्हेर में हुआ, उसके लिए प्रशासन को या राज्य के अधिकारी को दोषी न ठहराया जाए, यह बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है। पैराग्राफ। मैडम, नारायणपुर को एक घटना ने झकझोरा है, हालांकि एक छोटी घटना है, लेकिन अगर एक व्यक्ति की भी जान जाती है तो बदकिस्मती होती है, इसलिए मैं छोटी घटना नहीं कहूँगा। इसमें उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त कर LO शरणार्थियों के 2 कंपनी कैंपों में महिलाओं और बच्चों पर जब आक्रमण किया तो इजराइल के यहूदियों ने राजधानी तेल अवीव में प्रदर्शन करके प्रधानमंत्री को हटा दिया। उनका तर्क था कि अगर हम आज लोगों की हत्या कर रहे हैं तो हमें और हिटलर में क्या फर्क था जो हत्या कर रहा था। इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह कहना चाहूँगा, जो यह बयान दिया गया है यह राजस्थान सरकार का बयान बनाया हुआ बयान है। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि चाहे अयोध्या का मसला हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे कोई मसला हो, केंद्र की सरकार अपनी एजेंसी का कहीं इस्तेमाल नहीं कर रही है। जो दोषी हैं, जिनको दंडित होना चाहिए, उनको सत्ता से हटाया जाना चाहिए। अगर उन्हीं की रिपोर्ट पर अपना बयान करेंगे तो सरकार का औचित्य क्या है। पैराग्राफ। इनकी जो एजेंसी है उनका क्या औचित्य है। 1 तारीख से 6 तारीख घटनाएं बढ़ती रहे, लोगों के घरों को जला दिया जाए, सैकड़ों लोग बेघर पाए, और इसके बाद भी किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई न हो, किसी को जेल न भेजा जाए, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह एक ऐसा सवाल है जिस पर बड़ी लंबी बहस हो सकती है। इतना दर्दनाक मामला है कि आदमी जब सेंटिमेंटल हो जाता है और जब रोका जाता है तो अजीत जोगी की तरह कभी कभी ऐसा होता है कि चेयरमैन को अच्छा नहीं है। इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि केंद्र पर अपने विवेक का इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, ये था 100 वर्ड पर मिनट का हिंदी डिक्टेशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको काफ़ी पसंद आएंगे। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।